Now next topic is oxidation states of actinides. अब याद रखें, actinides show variable oxidation states. इसके पीछे का कारण ये है कि actinides में हम लोग देख सकते हैं कि 5f orbital is subsequently filled, उसके बाद 6d orbital के पास एक इलेक्ट्रॉन है and 7s orbital has two electrons. So यहाँ पे variable oxidation state हम देख सकते हैं. सो दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. इसके पीछे का कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टली फील्ड 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स. ये इतने सारे जो ऑर्बिटल्स है वो पार्शियली फील्ड है, वो बात अलग है. 7s ऑर्बिटल इज फुली फील्ड बट स्टिल दोज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजेबल. दैट्स व्हाई दीज आर केपेबल ऑफ शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. अब हमें और एक चीज ये याद रखना है, 7s ऑर्बिटल और 6d ऑर्बिटल के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेडीली लूजेबल है और उनको लूज करके प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एज ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड एलिमेंट्स शो करने में सक्षम है. तो याद रखे प्लस थ्री इज ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एक्टिनाइड्स. यानी जितने भी एक्टिनाइड एलिमेंट्स है वो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना प्रीफर करते हैं. इसके अलावा भी अभी अभी हमने कहा कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर नोन फॉर देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो याद रखे एएम दैट इज अमेरिसियम एंड थोरियम शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स अल्सो. अब ये जो है एएम एंड टीएच दैट इज अमेरिसियम एंड थोरियम आर केपेबल ऑफ शोइंग the compounds in plus 2 oxidation state also. अब याद रखना higher actinides में क्या होता है, plus 3 की stability बढ़ती जाती है. ये भी याद रखे. So stability of plus 3 oxidation state is greater in higher actinides. यानी ऐसे एक्टिनाइड्स जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है यानी बड़ा है उनमें देखा गया है कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है. और दूसरी बात आपको ये भी याद रखना होगा, अमेरिसियम और क्यूरियम दैट इज एएम एंड सीएम शो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट अल्सो. यानी ये प्लस थ्री के बाद अब हमने देखा अमेरिसियम प्लस टू भी शो किया तो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनके कंपाउंड्स पाए गए हैं. ये भी हमें याद रखना होगा. अब हमें देखने की आवश्यकता है एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम टू अमेरिसियम शो प्लस फाइव स्टेट. याने थोरियम से लेके अमेरिसियम तक के जो एक्टिनाइड्स है वो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. अब बात करेंगे यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम और अमेरिसियम की. सो दीज कैन शो द प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट अल्सो. Uranium, Neptunium, Plutonium and Americium are capable of showing the compounds in plus 6 oxidation state also. और एक चीज आपको याद रखना होगा, Neptunium, उसके बाद Plutonium. So these are the elements which show plus 7 oxidation state also. So plus 7 बोले तो भारी भक्कम, यानी बहुत बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ. सो नेपच्यूनियम प्लूटोनियम
are capable of showing plus 7 oxidation state also. और एक चीज याद रखे, प्लस 6 के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है तो एक्टिनाइड कैटायंस ऑक्सोकैटायन में एग्जिस्ट करते हैं. सो याद रखे, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज ग्रेटर देन प्लस सिक्स एक्टिनाइड्स एग्जिस्ट एज ऑक्सो कैटायंस. ये भी आपको याद रखना होगा. तो ये स्पेशलिटी है कि ऑक्सो कैटायंस आर फॉर्म बाय एक्टिनाइड्स. लेकिन जब आप लैंथेनाइड के साथ कंपेयर करते हो एक्टिनाइड्स को, तो आपको ये भी समझने की आवश्यकता होगी कि प्लस 3 एंड प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का शो होना ये कॉमन बात है लैंथेनाइड्स का और एक्टिनाइड्स के साथ. I mean, actinides and lanthanides resemble with one another in that respect. I mean, both of the elements are capable of showing the existence of the compound in plus 3 and plus 4 oxidation states.